हाँ जी भाई, चार अवतारों की तो अलग अलग छुट्टी होती है, तो सम्राट ब्रह्मा की राम वाली आत्मा के द्वारा चारों युगों में ऐसा कुछ पाठ बचता है? सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का पाठ नहीं है? है त्रेता में राम सीता का राज्य चलता है, द्वापर के आदि में राजाएं तो विकारी हो जाते हैं। विकारी बुद्धि या निर्विकारी बुद्धि? विकारी बुद्धि हो जाते हैं। वो कोई से परामर्श लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कोई को गुरु बनाते हैं या नहीं बनाते? तो वही उनके लिए सदगुरु हो गया, भगवान हो गया। और कलयुग अंत में तो जब मुसलमानों के आक्रमण शुरू होते हैं, जैसे कलयुग शुरू होते ही पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उसके 200 वर्षों के बाद ही सोमनाथ मंदिर उजाड़ा जाता है। और मोहम्मद गौरी से टक्कर लेने वाला कौन प्रत्यक्ष हो जाता है? है कौन? पृथ्वीराज चौहान प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हरियुग में ब्रॉड ड्रामा में पार्ट तो है ही, जैसी जैसी संगम में शूटिंग होती है वैसे वैसे ड्रामा चलता है। और स्वमान्य आत्मा, आत्मा में जिसकी आस्था है, आत्मिक पार्ट में जिसकी आस्था है, श्रद्धा विश्वास निश्चय है, वो आत्मा का मनन चिंतन मंथन करेगा या नहीं करेगा? तो स्वकीय आस्था में टिकेगा या नहीं टिकेगा? टिकेगा तो नाम हो गया स्वास्तिक, बदल करके स्वास्तिक कर दिया। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? टिक लिखेंगे। हाँ, और कलयुग में कलंक का अवतार बनता है, तो आगे जो बाहर की दुनिया में रामदेव बापू है वो भी राम भक्त है, कलंक लग रहे हैं, तो ये कहा तक क्या भक्ति मार्ग में एक आसाराम जी बापू है उनकी ऊपर जो कलंक लग रहे वो फॉलोअर नहीं कुछ गलती है कि उनको सजा भोगनी पड़ रही है, उसका कारण क्या? क्राइस्ट को सजा भोगनी पड़ी, जो सजा देने वाले थे वो पापी थे या क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स पापी थे? है?
सजा देने वाले पापी थे, ऐसे यहाँ भी है। जो परम धाम से नई आत्माएं आ रही हो, ये जो बाबा लोगों के रूप में उनकी नई आत्मा रखी थे वो अभी आता रंजी बापू है, मतलब उनके अंदर कोई सोल नहीं, पर क्या है जैसे प्राइस क्या है उनके अंदर कोई सोल नहीं है, प्रवेश किया है क्या, प्रवेश किया है क्या, उनका नाम बाला हो रहा है सब अपने बारे में। जो भी आत्मा है इस दुनिया में नाम मान शान भोगने वाली है, वो नई आत्मा का करिश्मा होता है या तमो प्रधान पुरानी आत्मा का करिश्मा होता है? ये कलयुगी नई आत्माएं हैं, इनका अल्पकाल का नाम मान मर्तबा है। सत्य आज में सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता है, वो कलयुगी नहीं है। सतयुग में भी स्वर्णिम सतयुग की स्थापना करने वाला है, उसका जन्म जन्मांतर है, युग युगांतर है, कल्प कल्पांतर मतवा बात बाकी चलता रहता है, नाम वाला होता रहता है। जब असली भगवान प्रत्यक्ष होता है तो ढेर के ढेर नकली भगवान भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। रामायण में दिखाते हैं कि राम लंका में गया और रावण को वहाँ मार दिया, वो जो श्रीलंका बताते हैं तो जो देश है श्रीलंका नाम का, उसका नाम श्रीलंका बड़ा। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, श्री किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। किसके द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता है? सुप्रीम सोल के द्वारा, शंकर द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की प्रत्यक्षता होती है। शंकर के साथ श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली पार्वती दिखाई गई है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति सरस्वती, इनको अपना अपना सुंदर धाम दिखाया गया है। लेकिन पार्वती को ऐसा कोई सुंदर महल नहीं दिखाया गया, तो उनको भी ये इच्छा पैदा हुई क्या है कि हमारे लिए भी ऐसा कोई श्रेष्ठ महल होना चाहिए। तो कहते हैं भगवान ने उनकी भी इच्छा पूर्ति कर दी। क्या? बढ़िया सा महल तैयार कर दिया। तैयार करने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है तो उसकी रचना भी कैसी होगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? श्रीलंका। तो गलत नाम रखा गया क्या? और अरे खड़ा हो यार, कोई सुन नहीं पा रहा है। कौन से चित्र में? कल्प वृक्ष।
क्योंकि कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में जब भारत ही नास्तिक हो जाता है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो दूसरे धर्म नास्तिक पने से बच जाएंगे क्या? है? नहीं बचते। सारी दुनिया नास्तिकों की हो जाती है, और जो नास्तिक होते हैं वो धर्म पिता को या धर्म को मानते हैं क्या? मानते ही नहीं, तो वो धर्म अलग से कहां से दिखाया जाएगा? और है हाँ जी, बेसिक में जाना पड़ता है ना, गुरुवार गुरुवार जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि यहाँ आते करके, तो वहाँ गुरुवार के दिन भोग मिलता है, उस भोग का क्या करेगा? जो बेसिक से एडवांस में आ गए, एडवांस में आ गए, आपको मालूम है, है? जो राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय कहा जाता है वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में रावण संप्रदाय किधर है? ठेठ रावण संप्रदाय। और राम संप्रदाय किधर है? एडवांस कौन है और नॉन एडवांस कौन है? एडवांस जो ग्रुप है वो राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय है? है? आप लोग क्यों बोल रहे हैं, आपका प्रश्न ही नहीं है। राम संप्रदाय है, और राम संप्रदाय को जिसने पहचान लिया उसने जरूर राम को भी पहचाना होगा। तो राम और रावण संप्रदाय को छोड़ करके उसका संग का रंग लेना छोड़ दे, संग दोष अन्न दोष, जहाँ राम नहीं है वहां जाकर के अन्न दोष में लग जाए या संग दोष में आने लगे तो उसको कौन सा संप्रदाय कहेंगे? है? फिर हाँ, कौरव यादव संप्रदाय जो 18 अक्षौणी थे उनको पलटने के लिए सिर्फ सेवा का लक्ष्य लेकर के उनके साथ उनके पास जाता है कोई, तो उसे रावण संप्रदाय नहीं कहेंगे। लेकिन बजाय कन्वर्ट करने के खुद ही कन्वर्ट हो जाए, अन्न दोष में आ जाए, संग दोष में आ जाए और सेवा का कोई प्रूफ नहीं निकाल पाए, तो क्या कहेंगे, राम संप्रदाय या रावण संप्रदाय? सेवा का रिजल्ट क्या निकाला? अरे है बाबा, चल रही है सेवा। अगर अन्न खाते रहेंगे आया नहीं बाबा, हाँ उसका क्या करें, अभी तो पॉकेट देते हैं तो उसका क्या करें, आते जाते तो ट्रेन में दे दिया 2-3 बार। हाँ, तो पूछते क्या के लिए? आपसे पूछ कर हम उन्हें राय देंगे ना। अभी बहुत अच्छा हलवा बनेगा तब क्या करेंगे? बाबा हाँ, जब शरीर छोड़ा हुआ होता है, डेड बॉडी लेके जाते हैं, शरीर छोड़ा हुआ होता है, हाँ, डेड बॉडी लेके जाते हैं तो आगे एकदम आगे मटका लेके उनका कोई रिलेटिव अग्नि अंदर डाल के लेके जाते हैं, तो उनका भक्ति मार्ग से क्या संबंध, या तो क्या वो योग अग्नि का मटका है क्या?
उस योग अग्नि में उनका देह भान क्या करना है, भस्म कर देना है। ये हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता। कैसा? कि योग अग्नि में देवान को भस्म करें। वो तो देवान को और ही थोड़े समय के लिए दबा देते हैं, मिट्टी में ही दबा देते हैं। देवान की मिट्टी में ही दबाने से देवान खत्म नहीं होता है और जलाने से भस्म हो जाता है। नपुंसक माना कभी ऐसा नहीं। तुम कहते हैं पुरुषत्व को, ना कहते हैं नहीं, हटात जिसमें पौरुष की शक्ति न हो उसको कहते हैं नपुंसक। ऐसे दुनिया वाले तो हम कभी दुनिया में जाते तो हम आ रहे, जैसे कोई बोल देते बाबा है, डायरेक्ट बोल देते वो लोग, ऐसे अज्ञानी लोग क्या बोल देते, नपुंसक ऐसे बोल देते हो। क्या नपुंसक है? अपने को बोलते बाबा, कुमारों को सवाल खड़ा किया जाता है, अज्ञानी लोग कुमारों को सवाल खड़ा किया जाता है ऐसे बोलते हो। क्या बोलते हैं? तो आप उनको ज्ञान ऐसा सुनाते होंगे, आपकी ज्ञान सुनाने की गतिविधि सही नहीं है। हमारे पुरुषार्थ की जो चरम सीमा दिखाई गई है वो तो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया है, सौ परसेंट योगी, वो 100% योगी, उसकी यादगार क्या दिखाई गई है? अरे क्या यादगार दिखाई, जो यादगार दिखाई गई है उसे कोई नपुंसक कहेगा है? वो नपुंसक है फिर, न समझते हैं न समझाए सकते हैं, तो जो बोल है स्वीकार कर लो। अच्छा जी, मान लिया। शंकर के ऊपर ही क्यों सांप दिखाते हैं और कोई देवता पे क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ तो आगे बोलो, कौन पढ़ रहा है? पंपिंग पंपिंग वाले से पूछो। पूछो क्या पूछना है? शंकर के ऊपर से आप क्यों दिखाते हैं बाबा, ये पूछना है। ऊपर नहीं दिखाते हैं, आजू में भी दिखाते हैं, बाजू में भी दिखाते हैं, नीचे भी दिखाते हैं। पांच अंगों में पांच सर्प दिखाए गए हैं, वो पांच विकारों की यादगार हैं। काम विकार का सूचना देने वाला सर्प कमर में दिखाया गया है, क्रोध विकार का सूचक दाएं हाथ में, लोभ विकार का सूचक बाएं हाथ में, मोह का सूचक गले में, मोह की फांसी के रूप में, और अहंकार का सूचक सर के ऊपर, अहंकार। ये पांच विकारों रूपी सर्प का पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं शंकर जी से चिपकी चिपकी रहती हैं। क्या उनको छोड़ नहीं सकती? समझती हैं कि अगर इनको हमने छोड़ दिया तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। और जैसे महाभारत में संजय को दिखाया है तो वो
हमेशा जो महाभारत का विवरण करता था तो लाइव ही करता था, जो विवरण करता था लाइव ही करता था, जो देखता था वही बताता था। याद बताता जो संजय था उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। हाँ। तो अंधे को जो बताते थे जो विवरण करता था तो लाइव ही करता था जो देखता था। लाइव ही क्या, जो डेली डेली बताता था जो होता था प्रैक्टिकल जीवन में जो हो रहा था वही बताता था, वो उनको दिखाता था। हाँ, बताता था तो आने वाला भी बता सकता था। है इनको दिव्य दृष्टि के द्वारा वो आने वाला भविष्य भी बता सकता था। बता सकता था नहीं, लेकिन बताता नहीं था। नहीं जो संजय की यादगार है वो संगम युग की यादगार है न कि कोई और युग की यादगार है, है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बेसिक में बेसिक ज्ञान में बाबा ने संजय किसका नाम रखा, जगदीश भाई का नाम रखा। बाहर की दुनिया में जो भी सर्विस से डिस्टर्विस होती थी उसका समाचार पहले पहले बाबा को कौन देता था, जगदीश संजय देता था। वो हद की दुनिया का समाचार देता था, हद का संजय हो गया, हद का जगदीश हो गया। बेहद ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में कोई बेहद का जगदीश भी होगा या नहीं होगा, और वो संपूर्ण जय प्राप्त करने वाला भी है। उसको दिव्य नेत्र मिला हुआ है ज्ञान का, अंधों को सोजरा बनाना ये संजय का काम है। कोई भी महाभारत का पात्र सिर्फ एक नहीं है, उस जैसा पार्ट अदा करने वाली ढेर की ढेर आत्माएं हैं। युधिष्ठिर जैसा पार्ट अदा करने वाले ढेर के ढेर युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्माएं हैं। भीम भी हैं, नकुल सहदेव भी हैं, अर्जुन भी हैं, ऐसे ही ढेर के ढेर संजय हैं और ढेर के ढेर धृतराष्ट्र हैं जो अज्ञान के अंधे हैं। उनको समाचार सुनाने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनको अंजाम बताने वाला संजय एक नहीं है, ढेर के ढेर संजय है। और बाबा राम का राज्याभिषेक दिखा थे और उसके बाद डायरेक्ट शिवाजी का राज्याभिषेक बताया है, उसका कनेक्शन क्या है? उसका राम का राज्याभिषेक दिखा थे उसके बाद जितने भी राज्याभिषेक नहीं किया है कोई भी राजा ने, डायरेक्ट शिवाजी महाराज ने किया, कनेक्शन क्या है? मतलब वो राजा कोई कौन से भी राजा ने राज्याभिषेक नहीं किया? हाँ, राम की आत्मा या जिसको शिवाजी बोला है वो आत्मा संगम युग में कौन सा पार्ट बजाती है? प्रैक्टिकल में संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों का अभिषेक होता है या सिर्फ राम वाली आत्मा का ही राज्याभिषेक होता है? है? तो यहाँ जिसकी शूटिंग होती है वहाँ उसको दिखाया गया है। हाँ, इसराइल को जो है आर्यन के वस्त्र दिखाए हैं। हाँ जी। और जो पाकिस्तान का झंडा रहता है उसमें भी हरा रंग और एक आधा चांद और एक सितारा है, आधा चांद और एक सितारा दिखाते हैं। आधा आधा चांद आधा क्या? हाँ, जेल का चांद दिखाते हैं। हाँ,
हाँ, हरा रंग का क्या होता है? हाँ, झंडा हरा रंग का होता है। क्या मतलब? जो विष होता है वो कौन कौन से रंगों में विष दिखाया जाता है? हरा, काला और नीला। जो श्रावण का अंधा होता है, श्रावण के महीने में अंधा हो जाता है, उसे सारी जिंदगी क्या दिखाई पड़ता है? है? हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। तो इस्लाम धर्म की वो बीज रूप आत्मा है, जब ज्ञान बरसात शुरू होती है, ब्राह्मणों की संगम युगी एडवांस की दुनिया में तो पूरा ही अज्ञान अंधकार में लिप्त होती है। ऐसी लिप्त होती है कि भगवान को पहचानते हुए भी नहीं पहचान सकते। मुख देखा जाए तो एक ही धर्म पिता है जिसका मुख भारत की ओर है, और बाकी सभी विधर्मी धर्म पिताएं अहंकार में बैठे हुए हैं। और इब्राहिम भारत की ओर उन्मुख है, भारत के सन्मुख है। तो ऐसे ही पार्ट बजाता है, फाउंडेशन के टाइम पर भी यही पार्ट चलता है, अंदर से एक बाहर से दूसरा। जब मैं आत्मनिश्चय धारण किया के बाद बचपन शिशुरावस्था यौनावस्थाई में ज्यादा जो काम कभी होने वाला ही था वो काम योग से मेरा शिक्षण हो गया है। वो योग से शिक्षण हो गया, अभी कौन सी भी परिस्थिति आई ना उसको हम पिछड़े आ जाएंगे। योग से क्या कहेंगे? जो अरे काम पे पूरा जीतता है, काम जीत हो गया। अभी कश्मीर करते है ना, इसलिए आपका नाम राजा राम हो गया। और सागर मंथन हुआ, अरे हाथ तो उठा दो। हाँ, बंधन को योग गुरु को है गर्भवती का विधि क्या है? अकेले योग से संकल्पों का जो बंधन आता है, विकल्प आते हैं, बुरे बुरे संकल्प आते हैं, वो बंद नहीं होंगे। जितना ही हम फुल स्टॉप लगाएंगे उतना ही और जोर से पैदा होंगे। इसलिए क्या करना है, जो संकल्प खराब खराब आते हैं उनको सत संकल्पों में परिवर्तन करना है, और सत संकल्पों में परिवर्तन तभी होगा जब हम ज्ञान को अच्छी तरह घोटें। ये ज्ञान जल है, ज्ञान जल से
खून साफ होता है। ये ईश्वरीय ज्ञान जल है। संकल्पों का खून साफ हो जाएगा। जब साफ संकल्पों का खून हो जाएगा तो एकाग्र चित्र स्वतः ही हो जाएंगे। शिव को कहेंगे सदा शिव। उनका कोई संकल्प होता है या नहीं होता है? है? शिव का जो संकल्प है, शिव संकल्प, उससे ज्यादा कोई शिव संकल्प कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बाप समान हमें भी बनना है। वो सीधे सीधे हमें याद में बैठे तो नहीं हो सकेगा। क्या करें? जितना ज्यादा ज्ञान को मंथन करेंगे, घोटेंगे, अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा। और संकल्प जब शुद्ध हो जाएंगे, खून शुद्ध हो जाएगा, तो बुरे विचार आना ही बंद हो जाएंगे। अच्छे की ओर गति हो जाएगी। अच्छाई अर्थात विश्व का कल्याण। स्व कल्याण में बुद्धि न लगे, काय में लगे, विश्व कल्याण में बुद्धि लगे। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज स्वतः ही बन जाएगी। जबरदस्ती हठ योगियों की तरह चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए 1156 में आया है। तुम पेट के अंदर आपको भी कर सकते हो, दिन में सर्विस करना चाहिए, जैसे दृष्टि ऋषि मित्र हड्डी सर्विस करना चाहिए। इसका मतलब बाबा बेहद का है तो वेद की भाषा बोलता है या हद की भाषा बोलता है? है तो जब बाबा पेट के धंधे की बात करते हैं तो बाबा का अपना पेट कौन सा है? बुद्ध रूपी पेट है। तो बुद्ध रूपी पेट का धंधा क्या है? मनन, चिंतन, मंथन। जिसकी आदत पड़ जाएगी यही धंधा करने की, वो चलते फिरते उठते बैठते काम करते मनन चिंतन मंथन कर सकता है या नहीं कर सकता है? और जब सारा दिन यही धंधा करेगा तो रात में स्वप्न कैसे आएंगे? ऐसे ही स्वप्न आ जाएंगे। इसलिए बोला हाँ खुशी से अपने अंदर की कापारी खुशी से चेक करो कि हमें कापारी खुशी रहती है हर समय, हर सेकंड, हर दिन। कोई दिन और रात ऐसा न जाए, कोई सेकंड ऐसा न जाए जो खुशी से भरपूर न हो। संगम युग का ईश्वरीय वर्षा क्या है? खुशी जैसी खुराक नहीं। संगम युग मौजों का युग है। तो मन की मौज से चेक करना है। और आत्मा स्वप्नावस्था में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वहाँ का दृश्य देखती है और वहाँ के कार्यकलापों का अनुभव करती है और
अपने अमुक शरीर में ही विश्राम भी करती हूँ, तो दोनों कार्य इंसान कैसे करते हैं? शरीर एक है या दो है, कौन कौन से? स्थूल शरीर भी है और स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी है। स्थूल शरीर में जागृत अवस्था में होते हुए भी कोई मनन चिंतन मंथन की प्रैक्टिस करे तो सूक्ष्म बतन का वासी बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। प्रैक्टिस नहीं है तो रात्रि में सुप्ता अवस्था में स्वप्न अवस्था जब आती है तभी सूक्ष्म शरीर स्वप्न का अनुभव करता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ऐसा अभ्यास हम यहाँ भी कर सकते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर सकते हैं। स्थूल शरीर का जैसे भान ही न रहे ऐसी स्टेज बन जाए तो दो शरीर का अनुभव होना चाहिए। सुप्तावस्था में न सूक्ष्म शरीर का भान रहता है न स्थूल शरीर का भान रहता है, लेकिन जो स्वप्नावस्था होती है या साक्षात्कार की अवस्था होती है उसमें सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग अनुभव होता है। बाबा आत्मा का शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है? हाँ जी, शरीर में ही शरीर छोड़ के साथ जाती है। स्वप्न में हम दुनिया में चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस समय श्वास चलती रहती है या बंद हो जाती है? भारत का प्रधानमंत्री दो चार महीने के लिए विदेश में चला जाता है, विदेशों में चक्कर काटता रहता है, भारत से उसका कनेक्शन कट हो जाता है या जुड़ा रहता है? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की बात है कि भले सूक्ष्म शरीर कहाँ भी जाए स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर के साथ कनेक्शन रहता है। और जब बीके में ऐसा बोलते हैं जब ज्ञान में आने के बाद बीके में ज्ञान में आने के बाद जब जो शरीर छोड़ता है उसको सूक्ष्म से शांति में जाना पड़ता है हो गया? ऐसे मुर्दे में बोलते हैं ना? मुरली में बोलते हैं कि कोई गया भी है? गए सब गए। हाँ राजा राम भी गए होंगे जिन्होंने शरीर छोड़ा, जिन्होंने शरीर छोड़ा वो परमधाम गए ऐसे बोलते हैं तो आप उनके बोले हुए विश्वास क्यों कर लेते हैं? जबकि 15 साल पहले सूक्ष्म शरीर से परमधाम में चले गए होते हुए सूक्ष्म जाने के बाद परमधाम पहुँच गए। आप उनकी बातों पर क्यों विश्वास कर लेते हैं? अरे बातें तो दुनिया में बहुत देरी होती रहती है, किसकी किसकी बातों में जाएंगे? अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, वो नहीं तो सब मतलब पूछ रहा हूँ मैं। आपने सुना ना तभी तो पूछ रहे, तो व्यभिचारी ज्ञान सुना ना। अच्छा आप व्यभिचारी हुए कि नहीं भूल जाओ। आत्मा जब विनिश करती है हाँ उस समय शरीर तो होता नहीं
हाँ, स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ जी, और एडवांस प्रसाद करना चाहिए। एडवांस में योग न करे, योग न करे, सतर्क को ज्ञान का चिंतन ही करे। ज्ञान क्या है? बीके वाले ऐसे करते हैं, बीके वाले ये करते हैं, बीके ऐसा करते हैं, बीके वाले ये करते हैं, वो करते हैं, ये योग है। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोग पूरा दिन ज्ञान का वही बोलते हैं, ये चिंतन है। पर चिंतन करना ये ज्ञान है या अज्ञान है? है? आप ज्ञानियों को देखते हैं या अज्ञानियों को देखते हैं? अज्ञानी आए, ज्ञानी कोई आया ही नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष बने आत्मा, अपनी आत्मा के कल्याण के अर्थ जो किया जाए वो पुरुषार्थ है। देह के कल्याण के लिए जो किया जाए वो पुरुषार्थ नहीं है। जैसे नीचे में बोला जाता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, समझ कर बोलो, मीठा बोलो, वो बोला जाता है, वो सिर्फ बोला जाता है या प्रैक्टिकल में किया भी जाता है? हैं? जो कई लोग करते हैं वो नौ ब्राह्मणों की कुरियों में से सिर्फ एक कुरी के हैं या सभी कुरियों के हैं? ब्राह्मणों की नौ कुरियां हैं, वो सभी कुरियों के हैं, आपने देख भी लिया, सभी कुरियों में ऐसा होता है। क्रिश्चियंस धर्म के जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी या इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो धारणाएं करेंगी। वो कम बोलती है, धीरे बोलती है, सोच समझ के बोलती है। भगवान के बारे में उन्होंने सोच लिया, पता नहीं चलता। आत्मा के बारे में पता चल जाता है, पता चल जाता है। बाबा तो कहते हैं कि जो पार्टधारी अपने अपने एक्ट को नहीं जानता वो तो बेवकूफ हो गया। तो उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि हम किस ग्रुप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। इस्लाम धर्म में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, बौद्ध धर्म में जाएंगे, उनको पता है? पता है? दादा एक बात प्रश्न है। हाँ, ये हम बोलते हैं कि ब्रह्मा दादा को अभी पता नहीं चला है कि गीता का भगवान कौन है। पता नहीं चला उनको, पता नहीं चला कि कृष्ण की आत्मा गीता का भगवान है। हाँ, शिव गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान है वो पता नहीं चला ना। शिव गीता का भगवान है ये पता नहीं चला? वाले और गीता का भगवान किताब ऐसे ही छपा दी, वहाँ बेसिक में किताब छपाई गई है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जो सात आठ दिन का बच्चा होता है, आप तो पंगे मार रहे हैं। एक बात छोड़ दी, एक बात तो पूरी कर लो पहले। अभी आपने गीता के भगवान की बात कही, वो छोड़ दे, अच्छा आगे चलो। एडवांस में ऐसा सुनाया कि ब्रह्मा बाबा को अभी पता नहीं चला है गीता का भगवान कौन। वो जानते हैं कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा, वो जानते हैं ना।
तो उन्हें पता चल गया ना, उनको पता चल जाएगा कि शिव है वो विद्युत धारण कर ले। ऐसा नहीं है, वो संघ के रंग में आते ही बीज रूपी स्टेज में आ जाती है आत्मा। वो राम वाली आत्मा में जैसे ही प्रवेश करती है और बीज रूपी स्टेज हो जाती है, सूक्ष्म शरीर की स्टेज नहीं रहती। उस शरीर को जैसे ही छोड़ेगी, राम वाले शरीर को जैसे ही छोड़ेगी, वो सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है, बीज रूपी स्टेज में नहीं प्रवेश करती, क्योंकि गुलजार दादी की अपनी स्टेज ही बीज रूपी नहीं है। बता दिया ना, 50 वर्ष है ब्रह्मा के, 50 वर्ष शशि चक्र में से कम हो जाते हैं, तो 69 में 50 वर्ष जोड़ दीजिए, कौन सा वर्ष आया है? है? गिन लो। हाँ, 2018 आया। ये 18 का बड़ा भारी महत्व है, 2018 के बाद 18 और जोड़ेंगे तो खेल खलास। एक मुखी दत्त और दूसरे गांव में 3 मुखी दत्त है, उसका क्या भाव? दत्तात्रेय का मतलब है दत्ता माने दिया हुआ। क्या? दत्ता माने दिया हुआ, और त्रेय माने 3 के द्वारा। क्या माने? 3 आत्माओं ने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के द्वारा दत्तात्रेय का जन्म हुआ। एक है राम वाली आत्मा, एक है छोटी माँ, और एक है बड़ी माँ। माना झूठी गीता, सच्ची गीता और गीतापति भगवान, 3 आत्माओं के संयोग से जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उससे उनकी आत्मा में दृढ़ निश्चय बैठ गया कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। गुण ग्रहण करने वाली आत्मा हूँ। कौन से देवता का नाम है? गुणग्राही देवता कौन गाया हुआ है? है? दत्तात्रेय। उनके आसपास कुत्ते दिखाए जाते हैं। क्या? वो इस्लाम धर्म की आत्माएं चारों तरफ से घेर के बैठ जाती है। जैसे भाई ने अभी कहा, मुसलमानों के झंडे में हरा रंग दिखाया जाता है, विषय विकारों का सूचक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक गांव ऐसा है जहाँ उनको एक ही मुख दिखाया है, है? मुख माने बुद्धि। एक गांव ऐसा है जहाँ 2 मुख दिखाए हैं, 3 मुख दिखाए हैं। हाँ, तो वो एक मुख वाला कब बना होगा? है? संगम युग में ही कब बना होगा एक मुख वाला? है? अरे यज्ञ के आदि में ही कोई पहली आत्मा है
जिसने उनको ये सुनाया कि तुम्हारा सृष्टि के पहले पत्ते का पार्ट है, सृष्टि के रूप में आप जन्म लेंगे, देवताओं के बीच में आप अग्रगण्य हैं, आपकी गणना पहले है, वो कौन सा मुख था, वो टाइटल उनको मिल गया। ब्रह्मा को कौन सा टाइटल मिला, प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला। जब तीनों मुखों के द्वारा उनको एक ही बात साबित हुई तो पक्का निश्चय बैठ गया। सन 47 से घोषणा कर दी ब्रह्मास्मि, शशि रूपी रंगमंच पर पार्ट अदा करने वाली 500-700 करोड़ आत्माओं में कौन सी आत्मा है जो पहले पहले घोषणा करती है ब्रह्मास्मि? दादा लेखराज ब्रह्म। और ब्रह्मास्मि का अर्थ ही होता है शिवो अहम, मैं ही शिव हूं। ये निश्चय किसने बैठाया? नहीं, वो माताएं थी दो, उन माताओं का मुख था, उनके द्वारा जब उन्होंने सुना तो पक्का निश्चय हो गया। निश्चय हुआ उनको बताया उनको प्रचार बताया ना तो माता नहीं तो निश्चय नहीं हुआ, नहीं हुआ निश्चय, इसीलिए तो माता की कंट्रोल में चलते रहे। अगर ये निश्चय हो जाए कि मेरे में सेवा आता है, मैं ही धारणा करने वाला असली ब्रह्मा हूँ, मैं ही गीता का साकार भगवान हूँ, उस समय ही अगर ये निश्चय हो जाता तो फिर माताओं को गुरु बनाता क्या? माताओं के डायरेक्शन पे चलता? नहीं चलता। महाभारत में एक ऐसा दिखाते हैं लास्ट में गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलते धीरे रंग पर शक्ति देते हैं। गांधारी लास्ट में अपनी आंखों की पट्टी खोलते धीरे रंग पर शक्ति देती है। गांधारी क्या अंधी थी? गांधारी अंधी नहीं थी, अंधेपने का नाटक कर रही थी। तो जो नाटक कर रही थी अंधी तो थी नहीं, तो क्या दृष्टि की पावर नहीं दे सकती? इसलिए दी। अंदर वाले रंग जाएंगे, बाहर वाले नहीं जाएंगे। अंदर वाले नहीं जाएंगे। हाँ, अंदर वाले रंग जाएंगे, बाहर वाले नहीं जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, बीके के लिए कि बीके रह जाएंगे और एडवांस वाले ले जाएंगे, फिर एडवांस में बताते हैं कि एडवांस वाले रह जाएंगे और बाहर के नहीं। ना बीके की बात है ना एडवांस की बात है, यहाँ बात है अंदर और बाहर वालों की। बीके में भी अंदर वाले थे और बाहर वाले भी थे, और एडवांस में भी अंदर वाले हैं और बाहर वाले भी हैं। बात अंदर बाहर वालों की है, बीके और एडवांस की नहीं है। तो बाबा ने जो वाक्य बोला वो आज के लिए सही है या सदा के लिए सही है? बेसिक जो ज्ञान जब चल रहा था उस समय के लिए भी ये ज्ञान लागू होता था, और हुआ कि अंदर वाले जो सरेंडर हैंड्स हैं वो रह गए, एडवांस ज्ञान नहीं ले सके, भगवान के
उस एडवांस पार्ट को नहीं समझ सके जो स्वर्ग बनाने वाला है और नरक की दुनिया को खत्म करने वाला है। समझ सके तो रह गए ना, कौन रह गए? अंदर वाले रह गए या बाहर वाले घर घर में जीवन बिताने वाले? जो अंदर रह रहे थे, सरेंडर्ड होकर के रह रहे थे, वो रह गए। और बाहर वाले माने घरग्रस्त में रह करके, कीचड़ की दुनिया में रह करके जो ज्ञान ले रहे थे, बेसिक ज्ञान ले रहे थे, वो प्राप्ति कर गए। ऐसे ही वो ईश्वरीय महावाक्य अभी भी लागू होता है, एडवांस के लिए भी लागू होता है। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, इसका इशारा दे दिया अव्यक्त वाणी में। गुजरात की कुमारियों का संगठित समर्पण समारोह हो रहा था उस समय, उस अव्यक्त वाणी में बोला ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, अभी दूसरी बार भी समर्पण समारोह मनावेंगे। इसका मतलब जो बेसिक में सरेंडर हुए हैं उनको एडवांस में दोबारा सरेंडर होना पड़ेगा, और जो एडवांस में सरेंडर हुए हैं उनमें 100% निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान शिव जिस स्वरूप को आप समान बनाते हैं उसके द्वारा ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाते हैं जो अपने बच्चों से भी कह दिया तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो जो बाप के भगवान के बच्चे हैं, माया के बच्चे नहीं, आदि से लेकर अंत तक भगवान के बच्चे हैं, धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, वो अष्टदेव भी नहीं समझ पाते, उनको भी संशय आता है, तो दूसरे कोई बचेंगे है? कोई नहीं बचते, सबको संशय आता है। अभी फाइनल पेपर हुआ नहीं है, फाइनल पेपर होगा तो जो आठ हैं, जो 84 जन्म साथ निभाने वाली आत्माएं हैं, हीरो पाठधारी का साथ निभाती है, उनको भी आखिरी माया खा जाएगी। माया किसी को नहीं छोड़ती, ऐसा अहंकार कोई न करे। तो एडवांस में रहने वाले भी जो अंदर रहे पड़े हैं उनको तो और अहंकार आता है, हम छलंडर हैं, जैसे सन्यासियों को क्या अहंकार आता है, हमने घर बार छोड़ा है, आता है ना। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग मेरी दुनिया में शूटिंग हो रही है, इसलिए ये महावाक्य बोला एडवांस में भी अंदर वाले रह जावेंगे, जब सारे ही टूटेंगे तो कौन सी माला का आवाहन होगा? है विजय माला का आवाहन होगा, और विजय माला वाले ले जावेंगे और रुद्रमाला वाले रह जावेंगे। तो झूठा बोला क्या है?
थोड़ी देर पहले बताया कि अन्य दोष और संग। अरे एक बात ये सिद्ध हो गई, हो गई, और आगे क्या? जो ज्यादा से इसी में प्रश्न उठता है कि जो ज्यादा से ज्यादा समय बाबा के संग में करता है, है? वो ज्यादा से जो अंदर रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय बाबा के संग अंग का और पालना पाते हैं और बाबा के घर का अन्न खाते हैं, तो अन्न दोष अन्न का और संग का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ तक संघ की बात है, थोड़ी देर पहले बताया ना कि अब सुन लिया, समझ लिया ना आपकी बात। जहाँ तक संघ की बात है, संघ दो प्रकार का होता है, एक बाहर का संघ, कर्मेंद्रियों का संघ, देह का संघ, विनाशी संघ, और एक है एक अविनाशी बुद्धि का संग, मन बुद्धि का संग। मुझे घड़ी घड़ी याद करो, सेकंड सेकंड याद करो, श्वासों श्वास याद करो। तो दो प्रकार के संग में अंतर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? है जो बांधेली माताएं हैं वो अंदरूनी संघ में आगे जाएंगी या बाहर के संघ में आगे जाएंगी? है अंदरूनी संघ में आगे चली जाती है। अच्छा बांधेली माताओं की बात छोड़ दो, बेसिक में जो अभी भी सरेंडर होकर के चल रहे हैं, उनमें चंद्रवंशी राधा भी पल रही है कि नहीं पल रही है? वो साकार में भगवान का संग, साकार कर्मेंद्रियों से अंग संग ले रही है या मन बुद्धि का संग ले रही है? तो लक्ष्य में विजयी एडवांस वाले होते हैं या बाहर के होते हैं? नारी से लक्ष्मी बनते हैं और एडवांस में नारी से लक्ष्मी नहीं बनते हैं। जवाब मिला कि नहीं मिला? है बेसिक में जाके भले हलवा खाए लेकिन मन बुद्धि से बाबा के साथ रहते हैं तो कोई दोष नहीं है। हाँ जी,